ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग में जो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है, मतलब महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रही है, वो क्या करती है, एक नीश को पकड़ लेती है। मतलब मानो बेबीज की कोई वेबसाइट बनाती है। अब आप बैठे हो इंडिया में, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो मान लो यूएस को। नाम हो गया, डोमेन नेम इंटरेस्टिंग सा, उसमें डोमेन नेम बहुत मैटर करता है, वो बढ़िया होना चाहिए। तो उसी से क्लियर हो गया कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी नीश को हम पकड़ सकते हैं? नीश मतलब होता है एक छोटी सी सेगमेंट को पकड़ सकते हैं। स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, ये बड़ी मार्केट है या नहीं है? यूएस के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है। तो लोग वहां पे सर्च कर रहे होंगे हाउ टू लूज वेट क्विकली। पोस्चर क्रिएटर आता है, जिसमें अगर आप उसको पहन लेते हो तो आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाता है, वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। गूगल ट्रेंड से आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप एक वेबसाइट बनाओ स्लिमिंग से रिलेटेड, मतलब जैसे ही कोई बंदा कुछ सर्च करता है, अगर आपकी वेबसाइट का नाम है जनरल, फॉर एग्जाम्पल xyz.com, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो उस पे नहीं आएगा, आएंगे भी तो बहुत कम लोग आएंगे। बट इफ समबडी सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू वेट लॉस, फैट लॉस, स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी सर्च कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपका नाम है वेबसाइट का, तो कितने चांसेस हैं आपकी वेबसाइट पे आने के? तो आपकी वेबसाइट का नाम ही हो गया फॉर एग्जाम्पल स्लिम क्विकली, या फिर क्विक स्लिम, कैसा है नाम, सही लग रहा है सुनने, है ना, quickslim.com, क्योंकि सबको पतला भी होना है लेकिन जल्दी होना है। तो जैसे ही कोई यूएस में या कहीं भी किसी कंट्री में कुछ भी ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी इस वेबसाइट की ऐड आ रही है, ऐड आएगी वहां पर, वो लोग उसको वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, उस वेबसाइट में आप सिर्फ क्लिक कर करके हजारों प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो यहीं से बैठे बैठे, आप चाहे गांव में हो चाहे शहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई बंदा वहां पे जाएगा, उन प्रोडक्ट्स को देखेगा, उसमें से कोई खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम है उस कंपनी का जो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही है। तो उस प्रोडक्ट को स्टोर करना, उसको डिलीवर करना, कुरियर करना, अगर वहां से रिटर्न आ रहा है तो वापस से रिटर्न लेना, ये सारा काम उस ड्रॉप शिपिंग कंपनी का है। आपका काम क्या है? सिर्फ मार्केटिंग का, मतलब ना प्रोडक्ट बना रहे हो, ना पैकेजिंग कर रहे हो, ना प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो, ना उसको डिलीवर कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। दो चीजों का खेल है इसमें सारा का सारा। एक है मार्केटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग वहां तक आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। नंबर वन मार्केटिंग। नंबर टू ट्रस्ट। कोई भी आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट क्यों करेगा? अमेजोन को वहां पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी भी कंट्री में, सब ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वहां से परचेजिंग होती है। ऐसी कोई एक्स वाई जेड वेबसाइट है, उसको कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? उसको डर नहीं लगेगा कि कहीं मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये पता नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो ट्रस्ट को आप कैसे बिल्डअप करते हो, सारा खेल उसका है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्लिमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट बना रहे हो। स्लिमिंग से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स होंगे? बहुत, मतलब कितने? अरे लाखों हैं। दिमाग क्यों बंद करते हो? स्लिमिंग इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है क्या? तो उसमें से लाखों में से हजारों प्रोडक्ट आपने अपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इसमें एक वेबसाइट बना ली है जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या इससे रिलेटेड स्लिमिंग, वेट लॉस, ये वो, इस तरह की जो मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, कोई एसोसिएशन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो? बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, एक तो होती है जो टॉप की होती हैं, उसमें तो आपको एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी, बट बहुत सारी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल है, यूएस की है, यूके की है, उन एसोसिएशंस को आप कुछ नॉमिनल अमाउंट दे करके, मानो $50, $100, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपने उन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर लिया। तो आप क्या दिखा रहे हो? वी आर दी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। समझे मैंने क्या बोला? वेट लॉस एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई एसोसिएशन है, उसके आप मेंबर बन गए और उसका वो सर्टिफिकेट और उसका पूरा डिटेल आपने वहां पे डाल दिया। तो ये क्या हो गया? एक तरह का मार्केटिंग हो गया। जैसे ये नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज यूज करती है ISO 9001, ISO 14000। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के अलग अलग तरीके हैं। इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप किया जाएगा कि दैट पर्सन शुड फील एट होम, यानी कलर थीम जो आप यूज करोगे वो वाली यूज करो जो यूएस फ्लैग की कलर थीम है, ताकि वो आते ही सबकॉन्शियस लेवल पे, उनको पता भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। वहां पे अगर आपने इंडियन फ्लैग्स की कलर यूज करे तो एकदम से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, उनको लगेगा ये तो कहीं बाहर से कोई है, उनको क्या लगना चाहिए, यूएस का ही कोई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए? आपको वर्चुअल ऑफिसेज मिल जाते हैं, तो आपको वेयर हाउस भी मिल जाता है $20-30 में, प्लस वर्चुअल ऑफिसेज मिल जाते हैं $20-30 में। वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई होगा नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में नाम के लिए आपका एक ऑफिस होगा, उस एड्रेस को बड़ा बड़ा करके आप अपनी वेबसाइट पे दे सकते हो। अब उनको थोड़ी पता है कि वर्चुअल ऑफिस है, और वहीं का एक टोल फ्री नंबर आपने ले लिया जो मैंने बताया था टोल फ्री फॉरवर्डिंग से, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख गया, उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि भाई हम कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं। समझ रहे हो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हो रहा है? छोटी छोटी चीजों से ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है।
एक वहीं का लोकल यूएसए का ही टोल फ्री नंबर आ गया, इंडिया का नहीं यूएसए का, वहां का एड्रेस देखते ही ट्रस्ट आया, कुछ एसोसिएशन है उसके उससे ट्रस्ट आया, प्लस बहुत सारी सील्स होती हैं इसमें, जैसे वेरी साइन है, ये है, वो सब आपको शॉपिफाई के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसमें आपको कुछ नहीं, वो सब लोगोस लगा दो तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अगर इस तरह से एक स्टोर आप बनाते हो और इस तरीके से काम को करते हो, क्या मुश्किल है इसमें? तो तरीका है कि हम इस तरीके से करें, जैसे कि मतलब जब भी कॉल करें, थैंक्स फॉर कॉलिंग बट दिस इज नॉट आवर वर्किंग आवर्स, प्लीज कॉल अस लेटर। इसमें बहुत सारी सेल ऐसी जो हो सकती होंगी वो नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो ट्रस्ट अपना पूरा एस्टैब्लिश करने के लिए वो कॉल कर रहे हो, तो हो सकता है अभी जो आपके 100 ऑर्डर आए हो सकता है 1000 भी हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जितनी भी ये इंटरनेशनल कंपनीज भी है ना, यूएस की कंपनीज है, ये है वो, उनके सबके कॉल सेंटर तो ज़्यादातर इंडिया में ही है। आपके भी कोई ना कोई यार दोस्त होंगे जो कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे, वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, जैसे ही काम थोड़ा सा चल जाए अगर उनको भी अपने साथ में ले आओ, तो कि भाई तू वहाँ पे काम कर ही रहा है, मेरे यहाँ पे देख इतने की तो सेल हो ही रही है, इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ, चल आ जा 10% तेरा। और वो अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकती है या कर सकता है जो भी होंगे, मतलब उनको कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है इसमें, वो अपने घर से बैठे बैठे ऑपरेट करेंगे। काम क्या है, कन्वर्जन करना, जितनी कन्वर्जन होंगी उन पर उनको 10% उसको कमीशन मिलेगा। तो उसका दिमाग कैसे चलेगा कि यार मैं भी कैसे कमाऊं, उसको पहले अकाउंट खोल के दिखा दिया, देख भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो महीने का आ ही रहा है, तो 10% के हिसाब से तेरे को इतना तो मिल ही जाएगा, ऐसे करके। ड्रॉप शिपिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी आपकी? GoDaddy से परचेज कर लो एक साल के लिए, उसका 1000 के आसपास है, ठीक है, अपने डोमेन नेम ले लिया, देन उसके बाद Shopify का हो गया $29 का, दो तो ये हो गए, मतलब 3000 रुपये अप्रोक्स आपका ये हो गया, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और अपनी एड्स चलानी है, और एड्स आप जितने की चलाओगे उतने कमाओगे। तो सिंपल सा मतलब मेरा रूल है, मैंने 20,000 की एड चलाई थी पर मंथ, मतलब डेली के हिसाब से मैंने ले लिए थे 700-800 रुपये, खत्म बात। राइट, क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है? और इसमें क्या हो रहा है, पार्ट टाइम में आपका एक बिजनेस शुरू हो रहा है। अब एडवर्टाइजिंग में आपके ऊपर है आप कितना लगाते हो, अगर एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हो तो आप बेवकूफ हो, एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हो तो जितना लगा रहे हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जितना लगा रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हो, सीधा सा फंडा है। घर बैठे बैठे कहीं पर भी हो, आप रूरल एरिया में हो अर्बन एरिया में हो, घर बैठे बैठे 2000 रुपये महीने में आपका काम शुरू हो गया है, बढ़िया है जी, कमाओ लाखों करोड़ों कमाओ।